मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बहुचर्चित नात्रा एवं झगड़ा प्रथा को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए जिला कलेक्टर निधि निवेदिता एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन के बाद निचले स्तर पर झगड़ा मांगने वाले लोगों पर लगातार हो रही पुलिस कार्यवाही से इस प्रथा की कमर टूट रही है। यहां बघेला की कलाबाई की शादी बचपन से हुई थी। बाल विवाह का दुष्परिणाम तब सामने आया जब राम कला को बालिग होने पर ससुराल भेजा तो उसकी शिक्षा भी बंद करवा दी, जिससे नाराज होकर राम कला अपने मायके आ गई। जिसे ससुराल पक्ष द्वारा झगड़े के लिए ग्राम बघेला में आगजनी की घटना कार्यवाही जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है, जिसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा झगड़ा राशि 9 लाख मांगे जाने की शिकायत पीड़ित ने खिलचीपुर थाने में की। थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ ने ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाया, जिन्होंने शपथ पत्र देकर झगड़े की राशि नहीं मांगने एवं पीड़िता एवं परिवार को परेशान नहीं करने का संकल्प लिया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लंबे समय से आपका मामला खिलचीपुर थाने में चल रहा था, विचाराधीन था, उसमें आज आपको न्याय मिला है, इसी जानकारी मिली, क्या हुआ उसमें? मेरा मामला कई दिनों से चल रहा था, सच में बहुत परेशान थी। मेरे गांव में उन लोगों ने कई सारा नुकसान भी किया है, लेकिन हमारे खिलचीपुर थाना प्रभारी जैसे वीरेंद्र धाकड़ सर और हमारे एसपी सर, मुझे बहुत ही सहयोग मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ कि और मुझे जैसे कि मैंने एक संगठन भी बना रखा है नारी शक्ति संगठन के नाम से, जिसमें इस कुप्रथा के खिलाफ बहुत अच्छे से कार्रवाई हो रही है हमारे थाने में और हमारे एसपी सर के निर्देशानुसार भी। तो बस इसी तरह से अगर ये कार्रवाई चलती रही तो मैं बड़ा मतलब विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। सर, एक जिले का बहुचर्चित मामला सामने आया था जो खिलचीपुर थाने में था और ये झगड़ा नात्रा प्रथा को लेकर राम कला भाई, इसको लेकर जो कार्यवाही हुई है, क्या है मामला सर? ये बघेला गांव की लड़की थी राम कला, जिसकी बचपन में ही सराई गर्दी में जब ये बालिग हुई, ये वहाँ जाने लगे, उसका पति शराब पीता था, ये पढ़ती भी थी, उसके पति ने उसका मारना पीटना चालू कर दिया, उसकी पढ़ाई भी छुड़ा दी, पर ये लड़की आगे बढ़ना चाहती थी, उसने इस चीज़ का विरोध किया, मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी, वो लोग उसको मारना पीटना चालू कर दिया। इस बात को लेकर यहाँ एक राजगढ़ में एक नात्रा पर्दा झगड़ा जैसी कुप्रथा चलती है, क्योंकि ससुराल नहीं गई तो वो लोग 20-20 लाख रुपये की चिट्ठियाँ इसके गाँव पर डालने लगे, और जब इन्होंने 20 लाख रुपये नहीं दिए तो वो कहीं मक्का काटने लगे, दावड़ा जलाने लगे, कंटे जलाने लगे। तो इस तरीके से उन लोगों के विरुद्ध भी इनके परिजनों के द्वारा मुकदमे थाने पर कायम की कराए गए, और इस तरीके से उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया और कई बार उनको जेल भी भेजा। परंतु इस संपूर्ण कार्रवाई में अगर हम देखें तो पूरा श्रेय हमारे राजगढ़ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा जी को जाता है, क्योंकि उनके निरंतर प्रयासों से उन्होंने सभी थानों पर निर्देशित कर रखा है कि यदि नात्रा प्रथा झगड़ा को हमें समूल रूप से नष्ट करना है, और इसके लिए यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है पैसे के लेन देन की, तो आप तुरंत FIR करें, और नारी के सम्मान के लिए 0 टॉलरेंस पर हम काम करते हैं, ऐसे उनके निर्देश हैं, इसीलिए हम लोगों ने लगातार FIR की। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जो लड़की है राम कला, उसके ससुर ने खुद आज कानून के भय डर के अपन का है, उसने स्वयं एक नोटरी कराकर थाने के समक्ष आकर राम कला को एक फागति दे दी और बता दिया कि आज से स्वतंत्र, और हम आज के बाद कोई तुमसे झगड़ा या नाता नहीं मांगेंगे। इस बात को लेकर उस लड़की में बहुत खुशी है, और जाहिर सी बात है इसलिए जब लोगों के बीच में पता चला तो लोग हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जो इस नात्रा प्रथा को समूह नष्ट करना चाहते हैं उनकी काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जब तक हमारे एस पी साहब यहाँ रहेंगे, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई उनके निर्देशों में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।